होली के बाद विवाह कार्यक्रमों की छड़ी लगने वाली है। दरअसल 11 अप्रैल से खर मास समाप्त होने वाला है, इसके साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जो लोग शादी ब्याह जिनका पेंडिंग है उनकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शादियों की जब बात होती है तो नाच गाना के अलावा खाने पीने की बात जरूर होती है। कई बार ऐसी होता है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो शादी में आ जाते हैं जिनको निमंत्रण आमंत्रण नहीं मिला रहता है, यानी बिन बुलाए मेहमानों की एंट्री हो जाती है। शादी की पार्टी में बिना बुलाए खाने आने वालों की संख्या कम नहीं है। वे लोग ज़्यादातर जो हॉस्टल या बैचलर्स जिंदगी बिता रहे होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा ऐसे बिना बुलाए शादी में खाना खाने के लिए पहुँच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना बुलाए शादी की पार्टी में खाना आपको जेल की हवा खिला सकता है? जी हाँ, यह एकदम सही बात है। दरअसल रायपुर अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष किशोर ताम्रकर ने बिना बुलाए किसी के घर में घुस जाने को गृह अतिचार का मामला बताया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है और क्या कुछ सजा का प्रावधान है, आइए आपको। देखिए, ऐसा है कि कानून में गृह अतिचार करना या किसी के कब्जे में कोई भी तंबू है, जल यान है, जिसको निवास के लिए अपने उपयोग में है, वहाँ कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश करता है तो ये कानून की परिभाषा में गृह अतिचार माना जाता है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है, अर्थदंड का भी प्रावधान है। अब ये जो है, जो घुसता है उसके एक्टिविटीज के ऊपर निर्भर करता है, वो किस आशय से वहाँ घुसा हुआ है। यदि वो चोरी के आशय से घुसा हुआ है तो वहाँ अपराध गंभीर हो जाता है, यदि और कोई अन्य अपराध करने के आशय से घुसा है तो और गंभीर हो जाता है, यदि सामान्य आशय से कोई घुसा हुआ है तो सामान्य रूप से उसमें कानून में 1,000 तक के जुर्माने की सजा है और 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। शादियों में खासकर रात में होती है, शादी के जो इवेंट्स वगैरह रहते हैं, ऐसे स्थिति में घुसता है तो क्या कोई धारा लग सकती है? देखिए, इसमें वही घुसने के कई प्रयोजन होते हैं। आप जैसे कि कई बोल रहे हैं कि खाना खाने के लिए कोई घुस जाता है, वो भी एक हिसाब से हमारी अनुमति के बिना उस हमारे परिसर में आ रहा है, वो गृह अतिचार की परिभाषा में ही आएगा कि बिना अनुमति किसी के ना कोई इनवाइट किया है, आप वहाँ जैसे ही प्रवेश किए आपका प्रवेश जो है अनधिकृत हो गया। वो जी हाँ, उसको भी सजा का प्रावधान? हाँ, उसमें सजा का प्रावधान है, गृह अतिचार के श्रेणी में आ ही जाता है ये, उसमें कानून में सजा का प्रावधान है।